सावने तालुका सहित नागपुर जिले के रेती घाट पिछले 2 वर्षों से बंद होने के कारण रेती न मिलने से निजी निवास तथा अन्य घरों के बांधकाम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जिससे घर बांधकाम करने वाले ठेकेदार, मजदूर तथा सीमेंट, लोहा, ईंट, गिट्टी, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक टाइम्स, प्लम्बर, हार्डवेयर आदि व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित होकर भूखमरी की नौबत आ खड़ी हुई है। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए शहर के सभी ठेकेदार, मजदूर एवं दुकानदारों द्वारा घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठना स्थापन कर 5 फरवरी 2024 को तहसील कार्यालय पर भव्य मोर्चा लाकर तहसीलदार सावनेर के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, जिलाधिकारी आदि के घरों के बांधकाम हेतु रेत उपलब्ध कराने हेतु निवेदन देकर रेत उपलब्ध कराए जाने की मांग किए जाने की जानकारी घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठना के मंगेश पटे, जितेंद्र सौदाकर, रूपेश पटे आदि ने पत्र परिषद में दी। इस अवसर पर घर बांधकाम ठेकेदार मजदूर संगठना के सभी पदाधिकारी, लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर व्यवसायी, मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 5 फरवरीला जो मोर्चा ठेवलेला आहे, घर ही प्रत्येक जनतेची गरजेची वस्तू आहे आणि त्याच्याकरता जी रेती लागून राहिली ती शासनातर्फे आपल्या म्हणजे जनतेला उपलब्ध नाही होऊन राहिली आणि जनतेला उपलब्ध न झाल्यामुळे कुठेतरी ठेकेदार लोकांना काम नाही मिळून राहिलं, त्याच्यामुळे ठेकेदार, मिस्त्री, लेबर तसेच प्लम्बर, इलेक्ट्रिक म्हणजे घराशी, घर कामाशी जे निगडीत आहे सर्वांनाच रोजगार उपलब्ध होऊन नाही राहिला, त्याच्यामुळे कुठेतरी उपासमारीची पाळी सर्वांवर येऊन राहिली। त्याकरिता एक आम्ही आमच्या ठेकेदार बंधूतर्फे तसेच जनतेतर्फे एक आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्याची ही आमचा मानस आहे। पुढलं पाऊल आम्ही कुठेतरी एक सर्व जनते मिळून शासना दरबारी एक मोर्चाचं आयोजन करू। NBC News के लिए सावने से किशोर ठुंडेली की रिपोर्ट।